ओवर प्राइस ओवर प्राइस ओवर प्राइस। जी हाँ दोस्तों, Realme को अपना नाम चेंज करके ओवर प्राइस रख लेना चाहिए। पाकिस्तानी मार्केट में कोई एक भी स्मार्टफोन ऐसा नहीं है जो Realme ने ओवर प्राइस लॉन्च ना किया हो। और Realme एक ऐसा ब्रांड है जिसके स्मार्टफोन्स के ऊपर कोई भी यूट्यूबर वीडियो बनाने से पहले 10 बार सोचता है, क्योंकि जो एक्सपेक्टेड प्राइस हम आप लोगों को बताते हैं, Realme कभी भी उस स्मार्टफोन को उस प्राइस में लॉन्च नहीं करता है। मुझे नहीं याद है दोस्तों, मैंने Realme के किसी स्मार्टफोन की आपको एक्सपेक्टेड प्राइस बताई हो और Realme ने उस स्मार्टफोन को उसी प्राइस के अंदर अंदर लॉन्च कर दिया हो। बहुत ज्यादा ओवर प्राइस लॉन्च किया जाता है। तो खैर दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 5 ऐसे सॉलिड रीजन जिनके बिना पर मुझे ये लगता है कि आपको Realme 7i स्किप कर देना चाहिए, ये वैल्यू फॉर मनी नहीं है। तो वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर नहीं होता सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ज्यादा बोर नहीं करता, काम की बात स्टार्ट करते हैं। Realme 7i ही नहीं, Realme 6i भी पाकिस्तानी मार्केट में ओवर प्राइस गया था। हाँ ये जरूर है, वो 3 से 4 मंथ के बाद अपनी एक्चुअल प्राइस पर वापस आ गया था। खैर दोस्तों, आज का हमारा ये टॉपिक नहीं है। तो यहाँ पर जो सबसे पहली रीजन है Realme 7i को रिजेक्ट करने की, वो इस मोबाइल फोन का डिस्प्ले है। यहाँ पर आपको 6.5 इंचेस का 720 की पिक्सल रेजोल्यूशन के साथ IPS पैनल मिल जाता है। और इसके साथ आपके ऊपर एहसान ये भी किया गया है, इस मोबाइल फोन के डिस्प्ले में आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी मिल जाता है। लेकिन दोस्तों, ये एक IPS पैनल है, ये कभी भी एमुलेट या फिर सुपर एमुलेट डिस्प्ले से कंपेयर नहीं हो सकता। इसकी परफॉर्मेंस कभी भी इन दो डिस्प्ले से कंपेयर नहीं हो सकती। IPS है, IPS ही रहेगा। ये एक पुरानी टेक्नोलॉजी है दोस्तों, कहते हैं ना कि 1990 के मॉडल के ऊपर अगर आप जितना मर्जी खर्चा कर लें, उस गाड़ी को जितना मर्जी मॉडिफाई कर लें, वो कभी भी 2020 के मॉडल से कंपेयर नहीं हो सकती है। ऐसा ही दोस्तों ये डिस्प्ले है, यहाँ पर आपको IPS पैनल मिल रहा है। परफॉर्मेंस आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले वाली नहीं मिल सकती, हाँ इसमें आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी क्यों ना मिल जाए। तो यहाँ पर दोस्तों, डिस्प्ले भी एक रीजन है इस मोबाइल फोन को रिजेक्ट करने की। डिस्प्ले एटलीस्ट 40,000 के प्राइस टैग में सुपर एमोलेड ना भी हो, एमोलेड डिस्प्ले होना चाहिए था, क्योंकि 40,000 के प्राइस टैग में तकरीबन सभी ब्रांड्स के स्मार्टफोन्स हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। और बहुत सारे स्मार्टफोन्स आपको ऐसे मिल जाएंगे जहाँ पर IPS पैनल मौजूद है लेकिन 1080 की पिक्सल रेजोल्यूशन है। आपको यहाँ पर 1080 तो क्या, 720 की पिक्सल रेजोल्यूशन मिल रही है। तो दोस्तों, डिस्प्ले इस मोबाइल फोन के प्राइस पैकेट को हरगिज जस्टिफाई नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सेकेंड जो रीजन है इस मोबाइल फोन को रिजेक्ट करने की, वो इस मोबाइल फोन का चिपसेट है। आपको यहाँ पर मिल जाता है स्नैपड्रैगन 662 का चिपसेट, जो कि 11 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पर बेस्ड है। यार प्राइस इस मोबाइल फोन की 40,000 है, लेकिन चिपसेट आपको अंडर 25,000 वाला मिल रहा है। इमेजिन करें दोस्तों, एक डिवाइस जिसके ऊपर आप 40,000 खर्च करते हैं, आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वहां पर आपको परफॉर्मेंस एकदम जबरदस्त मिले, क्योंकि जो 40,000 खर्च कर रहे हैं वो कभी भी डेली रूटीन लाइफ के लिए किस मोबाइल फोन को बाय नहीं करता। वो गेमिंग के लिए मोबाइल फोन बाय करना चाहता है, वो एक अच्छे डिस्प्ले के लिए मोबाइल फोन बाय करना चाहता है, अच्छी बैटरी लाइफ के लिए मोबाइल फोन बाय करना चाहता है, क्योंकि 40,000 की इन्वेस्टमेंट को छोटी इन्वेस्टमेंट नहीं है। जो इस प्राइस पैकेट में स्मार्टफोन बाय कर रहा है वो हर एक सेगमेंट को देखता है, यहाँ पर हमें कौन कौन सी चीजें किस मोबाइल फोन में अच्छी मिल रही हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आपको चिपसेट भी बिल्कुल घटिया तरीन मिलता है। ये जो चिपसेट है दोस्तों, हमें इससे कम प्राइस पैकेट यानी कि 25,000 के प्राइस पैकेट में मिल चुका है, जो कि रिसेंटली पोको M3 पाकिस्तानी मार्केट में आया है। इवन के दोस्तों, पोको M3 में आपको इस मोबाइल फोन से अच्छा डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। वहां पर आपको 1080 की पिक्सल रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले मिलता है, जबकि Realme 7i में आपको 720 की पिक्सल रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले मिलता है। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों, मुझे तो हंसी आती है इस मोबाइल फोन की प्राइस को देख के। अगर मैं आपको बताना चाहूँ ना इस मोबाइल फोन की एक्चुअल प्राइस क्या होनी चाहिए, तो इस मोबाइल फोन को अंडर 30,000 के प्राइस टैग में आना चाहिए था, क्योंकि बहुत सारे स्मार्टफोन्स में हमें ये स्पेसिफिकेशंस अंडर 30,000 के प्राइस पैकेट में मिल चुकी है। खैर अभी के लिए हमारा ये टॉपिक नहीं है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात ऐड करना चाहूंगा, इस स्मार्टफोन में चिपसेट जो है वो एक हाई लेवल का होना चाहिए था। हमें यहाँ पर P70 मिल चुका है, हमें यहाँ पर G90T मिल चुका है, हमें यहाँ पर आई थिंक किरिन A10 भी मिल चुका है Huawei के नोवा 7i में, लेकिन यहाँ पर हमें जस्ट स्नैपड्रैगन 662 का चिपसेट मिल रहा है, जो कि हर किसी इस प्राइस पैकेट को जस्टिफाई नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इस मोबाइल फोन को रिजेक्ट करने की जो तीसरी बड़ी रीजन है, वो इस मोबाइल फोन का कैमरा सेटअप है। हालांकि यहाँ पर मोबाइल के बैक पर आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिल जाता है 64 मेगापिक्सल के मेन सेंसर के साथ, बहुत ही बेस्ट है। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिल जाता है, बहुत ही बेस्ट है।
लेकिन इसके बाद क्या, यहाँ पर बाकी के जो दो सेंसर हैं दोस्तों वो जस्ट 2 मेगापिक्सल के हैं, यानी कि 2 मेगापिक्सल का आपको मैक्रो लेंस मिल जाता है, 2 मेगापिक्सल का ही आपको डेप्थ सेंसर मिल जाता है। अगर यार आपने डिस्प्ले अच्छा नहीं देना था तो कैमराज अच्छे दे लेते, अगर आपने चिपसेट अच्छा नहीं देना था तो कैमराज के ऊपर थोड़ा सा फोकस कर लेते। ये 2 मेगापिक्सल के लेंस हमें क्या परफॉर्मेंस दे पाएंगे, सोचने वाली बात ये है। यही नहीं दोस्तों, मैं दूसरे ब्रांड्स के ऊपर भी काफी ज्यादा तनकीद करता हूँ। पाकिस्तानी मार्केट में 4 कैमराज देने का एक ट्रेंड चल चुका है, 48 मेगापिक्सल का आपको लेंस मिल जाएगा, साथ में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, लेकिन जो बाकी के दो लेंस हैं वो 2 मेगापिक्सल से शामिल करके क्वाड कैमरा सेटअप कंप्लीट कर दिया जाता है। ये रियलमी नहीं, तकरीबन सभी ब्रांड यूज कर रहे हैं, तो ये सिलसिला जो है खत्म होना चाहिए। 2 मेगापिक्सल के जो लेंस है एटलीस्ट 5 मेगापिक्सल में कन्वर्ट होने चाहिए। ये जो कैमरा सेटअप है दोस्तों ये भी हरगिज अपने प्राइस पैकेट को जस्टिफाई नहीं करता है। 64 मेगापिक्सल का सेंसर है, बहुत ही बेस्ट है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन बाकी के जो दो लेंस है ये जो 2 मेगापिक्सल के हैं ये डेफिनेटली अपने प्राइस पैकेट को जस्टिफाई नहीं करते हैं। ऊपर से दोस्तों आपको यहाँ पर जो 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिल रहा है वहां पर आपको एपर्चर भी 2.3 का मिलने वाला है, यानी लो लाइटिंग कंडीशन में अल्ट्रा वाइड सेंसर की परफॉर्मेंस भी कोई इतनी अच्छी नहीं होने वाली है। तो कैमरा सेटअप भी दोस्तों एक रीजन है इस मोबाइल फोन को रिजेक्ट करने की। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नंबर 4 पर, जो रीजन है इस मोबाइल फोन को रिजेक्ट करने की वो इस मोबाइल फोन की फास्ट चार्जिंग है। मोबाइल फोन में आपको 5000 mAh की काफी बड़ी बैटरी मिल जाती है, बहुत ही बेस्ट है, लेकिन इतनी बड़ी बैटरी को चार्ज करने के लिए आपको यहाँ पर जस्ट 18 वाट की फास्ट चार्जिंग मिल रही है। अब ये 40,000 के प्राइस पैकेट में पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च हुआ है, यहाँ पर आपको 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिल रही है इन्फिनिक्स की तरफ से, इवन कि आपको हुआवे की तरफ से 40 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिल रही है, लेकिन भाई रियलमी को घंटा फर्क नहीं पड़ता, इन्होंने अपने हिसाब से स्मार्टफोन आप लोगों को देने हैं। यहाँ पर आपको जस्ट 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिल रही है जो कि अपने प्राइस पैकेट को हरगिज जस्टिफाई नहीं करती है। अरे यार अगर आपने डिस्प्ले अच्छा नहीं देना था, अगर आपने चिपसेट अच्छा नहीं देना था, अगर आपने कैमरा सेटअप अच्छा नहीं देना था तो कम अज कम यार फास्ट चार्जिंग तो अच्छी दे देते, यहाँ पर एटलीस्ट 65 वॉट की फास्ट चार्जिंग शामिल कर देते तो शायद ये स्मार्टफोन अपने प्राइस टैग को जस्टिफाई कर सकता था, लेकिन यहाँ पर आपको जस्ट 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिल रही है। हंसी आती है यार मुझे तो सोचते हुए भी, रियलमी क्या सोच के स्मार्टफोन लॉन्च कर रहा है पाकिस्तानी मार्केट में। खैर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 5वीं जो रीजन है इस मोबाइल फोन को रिजेक्ट करने की वो इस मोबाइल फोन का फिंगरप्रिंट सेंसर है। मोबाइल फोन में IPS पैनल है, डेफिनेटली यहाँ पर इनडिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर तो हो नहीं सकता, इसलिए मोबाइल फोन के बैक पर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिलने वाला है। 40,000 के प्राइस पैकेट में आपको मोबाइल फोन के बैक पर फिंगरप्रिंट सेंसर मिल रहा है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी नहीं है। पता नहीं यार क्या हो गया रियलमी वालों को, बहुत हंसी आती है सोचते हुए भी कि इतनी ज्यादा प्राइस के साथ हमें ये क्या स्पेसिफिकेशंस दे रहे हैं। आपको यहाँ पर एटलीस्ट इनडिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर होना चाहिए था, लेकिन IPS पैनल में इनडिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर तो हो नहीं सकता, तो कम से कम यार साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर ही दे देते, कुछ तो भरम रख लेते अपनी प्राइस का, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों ये भी एक रीजन है इस मोबाइल फोन को रिजेक्ट करने की, और जो सबसे बड़ी रीजन है ना इस मोबाइल फोन को रिजेक्ट करने की वो इस मोबाइल फोन की प्राइस है। जी हाँ दोस्तों, प्राइस का ही सारा लेन देन है यहाँ पर, अगर प्राइस अच्छी आ जाती तो डेफिनेटली ये मोबाइल फोन अपनी प्राइस टैग को जस्टिफाई कर सकता था, लेकिन यहाँ पर 40,000 काफी बड़ी प्राइस रखी गई है, डेफिनेटली ये पाकिस्तानी मार्केट में कोई अच्छी सेल्स जनरेट नहीं कर पाएगा। अगर इस मोबाइल फोन की प्राइस जो ये स्पेसिफिकेशन है दोस्तों 32,000 या फिर 33,000 होती तो डेफिनेटली ये एक अच्छी डिवाइस हो सकती थी, लेकिन भाई रियलमी को घंटा फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी कह ले। बहुत सारे यूट्यूबर इस वक्त, मुझे ये देख के अफसोस होता है दोस्तों, बहुत सारे यूट्यूबर रियलमी 7i के हक में बोल रहे हैं। पता नहीं यार जिनको यूनिट आना स्टार्ट हो जाते हैं वो बिकना स्टार्ट हो जाते हैं, बहुत बड़े यूट्यूबर्स को मैंने देखा है वो रियलमी 7i को कह रहे हैं एक अच्छी डिवाइस, आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। कैसे कंसीडर कर सकते हैं यार, एक डिवाइस जिसकी 40,000 इनवॉइस है वही सेम स्पेसिफिकेशन हमें 30,000 से कम प्राइस पैकेट वाले स्मार्टफोन्स में मिल रही है, तो हम वो स्मार्टफोन्स क्यों ना बाय कर लें भाई, इस स्मार्टफोन की तरफ हमने जरूर जाना है। लेकिन नहीं, बहुत सारे यूट्यूबर आपको ये कहते दिखाई देंगे कि रियलमी 7i एक अच्छा स्मार्टफोन है, लेकिन डेफिनेटली दोस्तों मेरी नजर में ये स्मार्टफोन अच्छा नहीं है। आप लोगों को ये मोबाइल फोन बाय करके अपने पैसे जाया नहीं करने चाहिए, आप लोगों के पैसे हैं भाई, आप लोग इन्वेस्ट करना चाहें बाय करना चाहें तो आप लोगों की मर्जी, लेकिन मेरे नजदीक ये एक अच्छी डिवाइस नहीं है। आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपकी नजर में ये मोबाइल फोन ओवर प्राइस है या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।